खानेवाल में ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। एक ही रोज में अदरक की कीमत में 100 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। शहरी परेशान है तो जखीरांदोज बेलाकाम है। ईद उल अजहा जूं जूं करीब आ रही है, सब्जियों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जिससे शहरी परेशान हैं। सब्जियों के रेट स्पेशली जो है हरी मिर्च टमाटर वगैरह इनके रेट बढ़ जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नाअहली है। गवर्नमेंट की चाहिए कि इनको जो है कंट्रोल किया जाए। अदरक की कीमत एक ही रोज में 100 रुपए इजाफे के साथ 420 रुपए फी किलो हो गई। टमाटर 80 रुपए, हरी मिर्च 80 और लहसुन 160 रुपए फी किलो का हो गया। सब्जी फरोश कहते हैं कि सब्जी मंडी से सब्जियां महंगे दामों मिल रही हैं, सस्ती नहीं बेच सकते। इस टाइम हमें मार्केट कमेटी वाले कोई रेट नहीं दे रहे हैं। आड़ती एक दिन में हजार हजार रुपए जाली का फर्क आ जाता है। अदरक 320 रुपए किलो था, अब अदरक 420 रुपए किलो खरीदा है आज मैंने। सब्जी फरोश शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि सब्जी मंडी से कीमतें ज्यादा हैं, जबकि मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट में कीमतें कम हैं। शहरी कीमतों के साथ साथ जखीरांदोजों के मजबूत होने और हुकूमत की नाकामी का रोना रोते दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के हमराह मोहम्मद अदी मुगल, रोही, खानेवाल।